होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब। सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए आज बात करते हैं हम एक न्यूज़ की। जी हाँ, आयुष से जुड़ी एक न्यूज़ है। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है। तो ये है वो खबर, सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड्स NEET फॉर आयुष एडमिशंस बोथ UG एंड PG। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो है जो भी आदेश आया है वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ आप लोगों को। अभी कुछ स्टूडेंट्स ने एडमिशन को लेके सुप्रीम कोर्ट गए थे और उन्होंने पूछा था कि BAMS, BUMS और BSMS या BSMS कोर्सेज के जो एडमिशन है कॉलेजेस के, वो किस क्राइटेरिया पे होने चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को क्लियर करते हुए क्या कहा है, वो है आज का न्यूज़। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आयुष के अंदर जो भी आपको एडमिशन लेना है वो एंट्रेंस टेस्ट से गुजर के ही आपको देना होगा और NEET आपको क्वालिफाई करना ही होगा, चाहे आप, ये मैंडेटरी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है द नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट विल बी मैंडेटरी टू ऑल टू सिक्योर अ सीट इन आयुर्वेदा योगा एंड न्यूरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। ठीक है, इस बात को आप लोग समझ गए कि ये जो है ये मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है। द सुप्रीम कोर्ट वॉज अप्रोच टू कंसिडर द वैलिडिटी ऑफ द नोटिफिकेशन इशूड बाई द सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडिया मेडिसिन एंड सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी प्रिस्क्राइबिंग एंड ऑल इंडिया मेडिकल एंड डेंटल एंट्रेंस टेस्ट NEET फॉर द एडमिशन ऑफ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जैसे कि BAMS, BUMS, BSMS एंड BHMS। तो इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ला के आपको पास करना ही होगा। तो ये जो है कि आप सबको पता है कि जो भी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं उसके लिए NEET एग्जामिनेशन पास करके आपको या फिर आप BAMS की डिग्री लीजिए या BUMS या BSMS या BHMS। ठीक है, ये बिना उस एग्ज़ाम को पास किए आपको नहीं मिलेगा। तो ये था एक न्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं, इस न्यूज़ को और अच्छे से देखते हैं। तो इसमें ये कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने ये क्लियर किया था कि जो भी UG के कोर्सेज हैं आयुष के अंडर जितने भी आते हैं तो उसमें एक मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा, आप उसको पास कीजिए। पास करने के बाद मेरिट लिस्ट के हिसाब से सबको जो भी गवर्नमेंट रिजर्वेशन पॉलिसी उन सबको देखते हुए सीट अलॉट की जाएगी, ये लिखा गया है। और ये जो है वो 17/12/2018 में ये नोटिफिकेशन आया था। ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड फॉलो करना है, मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इन इंडियन मेडिसिन उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ना है। तो ये जो है एक रेगुलेशन था वो 1986 में, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 1986 में वो उस अमेंडमेंट उसमें लाया गया और 2018 में वो रेगुलेशन बनाया गया। चलिए आइए देखते हैं कि वो है क्या। रेगुलेशन 2D के हिसाब से जो कि 2018 में हुआ था उसके हिसाब से क्या है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट जो है वो NEET फॉर ऑल द मेडिकल इंस्टीट्यूशन फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, अंडर ग्रेजुएट जितने भी कोर्सेज हैं जो कि बैचलर डिग्री के हैं वो उसके लिए आपको हर ईयर एकेडमिक ईयर में NEET क्वालिफाई करके ही आपको एडमिशन लेना है। ठीक है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से होगी। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, मिनिमम एलिजिबिलिटी मार्क्स फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कितने होने चाहिए। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि 50% होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए और 40% होना चाहिए शेड्यूल कास्ट के लिए, देखिए। ठीक है, फिर और द बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी इतने होने चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्वेदिक एजुकेशन हो गया या जो भी आपको होम्योपैथी है जो भी है। ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि हम एक अलग से एग्जामिनेशन लेते हैं, NEET नहीं लेते हैं, AIA PGET होती है, आप लोगों को पता ही होगा जिसके लिए मैं वीडियोस बनाती हूँ। तो वो एग्ज़ामिनेशन जो है वो क्लियर करने के लिए आपको वो क्लियर करना होगा और उस वजह से आप क्लियर करते हैं तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं PGET, है ना। NEET क्या है, अंडर ग्रेजुएट। तो ये आपको पता चला, चलिए आइए और आगे देखते हैं कि क्या है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि
कुछ लोगों ने पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट में एडमिशन के बात को लेके ये मुद्दा उठा था कि क्या एडमिशन ग्रांटेड किया जाए तो बिना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो कि फिक्स्ड किया गया है 2018 में कि आपको पास होना ही है, उसके बिना आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो यही इन जो भी जिन्होंने भी ये केस किया था तो उसके लिए नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। तो ये थी आज की पूरी खबर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सब तक पहुँच सके आयुष की न्यूज़।